जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। आवाज ठीक है। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन शारी, यमुना तीरा वन शारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन शारी, यमुना तीरा, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय गौर हरि बोल हरि बोल, जय जय वृंदावन धाम के श्री मथुरानाथपुरी धाम के गौर हरि प्रेम नंदे समवेत भक्त वृंद के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री निताई गौर सुंदर के श्री श्री गुरु एम गौरांग की ये माला कौन लाया, कहाँ से लाए? से दो चीज का ध्यान रखना होता है, काल का ध्यान रखना होता है। राधा रानी को ऐसा माला अर्पित करना जाड़ा में जिसमें 10-20 ग्राम जल हो, यह ठीक नहीं है, तो ध्यान देना चाहिए। राधा रानी को माला अर्पित करना है जाड़ा में तो फूल को संध्या के समय ही तोड़ लेना होता है। ताजा ताजा फूल तोड़ेंगे शीत से, उसे कष्ट होगा ना, सेवा के लिए सब ध्यान रखना होता है। यथा काल प्रसिद्ध घटना कई एक बार सुनाए हैं। एक ब्राह्मण थे, अपने यजमान के यहाँ गए। एक भाई ले गया कुएं पर और खूब स्नान करा कई एक बाल्टी से। मशीन को हैंडल करने के लिए आदमी को रखना चाहिए ना, किसी मशीन को ही लगा दे उस मशीन को, फिर किसी आदमी को हैंडल करना होता है। बहुत दुख होता है ये सब देख करके। जिसकी जिम्मेवारी है, जिसकी सेवा दी गई है, उसको अब कंप्लेन आने के बाद ही सुधार हो यह आवश्यक नहीं है। ये सब ध्यान रखना चाहिए जो साउंड सेट करते हैं और जो भी सेवा है, थोड़ा अपने विवेक का ध्यान रखना चाहिए। खास करके कथा के समय कोई व्यवधान आने से मन दूसरे तरफ चला जाता है और चित्त क्षुब्ध हो जाता है, तो कम से कम सरस कथा नहीं आ सकती। सब ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओम अज्ञान्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंध दीन बंध जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के अष्टम स्कंध के 22 से 24 नंबर तक का श्लोक। श्रीमद्भागवतम स्कंध 8 अध्याय 3 श्लोक 22 से 24। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य ब्रह्मा आदयः देवा वेदा लोकः च अचरः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृतः यथा अर्चिसः अग्नेः सवितुः गभस्तयः निर्यान्ति संयान्ति असकृत् स्वरोचिसः तथा यतः अयम् गुणसंप्रवाहः बुद्धिः मनः खाने शरीरसर्गः स वै न देव असुर मर्त्य तिर्यं
स्त्री न षण्डः न पुमान् न जन्तुः न अयम् गुणः कर्म न सत् न च असत् निषेधशेषः जयतात् अशेषः यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृतः यथार्थ स्वग्नः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहः बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यान् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदः लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृतः यथार्चि स्वग्नः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः स वै न देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः उसमें ठीक प्रिंट है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, न को इसमें तिरियंग के साथ ही डाल दिया। उस ग्रंथ में वहाँ ठीक है, सवै न देवासुरमर्त तिरियंग न स्त्री न षण्ड न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृतः
यथार्चि सग्नेः सवितुर्गभस्तयः यथार्चि सग्नेः सवितुर्गभस्तयः सग्नेः अर्चि सग्नेः यथार्चि सग्नेः यथार्चि सग्नेः सवितुर्गभस्तयः यथार्चि सग्नेः सवितुर्गभस्तयः यथार्चि सग्नेः सवितुर्गभस्तयः निर्यान्ति संयान्तसकृत् स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः सवैन देवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् न चासन् निषेधशेष जयतादशेषः यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृता यथार्चि सग्नेः सवितुर्गभस्तयः निर्यान्ति संयान्सकृत्स्वरुचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गः स वैन देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न षण्ड न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलगव्या च कलया कृता फल
यथार्थ स्वग्न सवितुर्गभस्तय निर्यान्ति संयान्तस कृत् सरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्गः शवैन देवासुरमर्ततिर्यं न स्त्री न शंड न पुमान जंतु नायं गुड़ कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयताद शेषः। माता जी ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरा यस्य श्री भगवान का ब्रह्म आदय ब्रह्मा जी इत्यादि महान देवता देवा तथा अन्य देवता वेद वैदिक ज्ञान लोक विभिन्न पुरुष चर अचरा चर तथा अचर यथा वृक्ष नाम रूप विभिन्न नामों तथा विभिन्न रूपों के विभेदे न ऐसे विभागों द्वारा फलगव्या कम महत्वपूर्ण च भी कलया अंशों से कृता उत्पन्न यथा जिस तरह अर्चिसह स्फुलिंग अग्ने अग्नि के सवितु सूर्य से गभस्तय चमकीले कण निर्यान्ति बाहर निकलते हैं संयान्ति तथा प्रवेश करते हैं असकृत पुनः पुनः स्वरुचिसह अंशरूप तथा उसी प्रकार से यतः श्री भगवान जिनसे अयम यह गुणसम प्रवाह प्रकृति के विभिन्न गुणों का निरंतर प्राकट्य बुद्धि मन बुद्धि तथा मन खाने इंद्रियां, शरीर शरीर के स्थूल तथा सूक्ष्म सर्गः विभाग सह वे परमात्मा वै निसंदेह न
नहीं है, देव देवता, असुर असुर, मर्द मनुष्य, तिर्यक पशु या पक्षी, न न तो स्त्री स्त्री, न न तो संडह क्लीव, न न तो पुमान मनुष्य, न न तो जंतु जीव या पशु, न अयम न तो वे हैं गुण भौतिक गुण कर्म सकाम कर्म, न न तो सत प्राकट्य, न न तो च भी असत अप्राकट्य। निषेध नेति नेति का भेदभाव, शेष वे अंत हैं, जयता उनके जय हो, अशेष जो अनंत हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम ऋजु यजुर् तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती है, उसी प्रकार मन बुद्धि इंद्रियां, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर विकार, ये सभी श्री भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीब हैं और न ही पशु हैं। न ही वे भौतिक गुण सकाम कर्म प्राकट्य या अप्राकट्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द हैं और वे अनंत हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तात्पर्य, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की असीम शक्ति का संक्षिप्त वर्णन है। परम पुरुष अपने अंशों को प्रकट करके विभिन्न अवस्थाओं में कार्य करते हैं और वे अंश उनके विभिन्न शक्तियों परास शक्तिर विविधै श्रूयते के रूप में एक साथ भिन्न भिन्न रूप में स्थित हैं। प्रत्येक शक्ति सहज रूप से कार्यशील है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, अतएव श्री भगवान अनंत है। न तत् समाभ्यास्यधिकस्य दृश्यते, न तो उनके न तो कुछ उनके तुल्य हैं और न कोई वस्तु उनसे बढ़कर है। यद्यपि वे अनेक प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं करना होता। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, क्योंकि सब कुछ उनकी असीम शक्तियों के विस्तारों के द्वारा ही किया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग गजेंद्र जी की स्तुति को सुन रहे हैं। गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, अपने ग्राह के बंधन को दूर करने के लिए। लेकिन पुकारने के क्रम में ही अब भगवान के अनेक गुणों का वर्णन कर रहे और पुकारते पुकारते उनके यह दशा हो गई
कि फिर बंधन से मुक्ति का तो विचार ही त्याग दिए। पहले तो पुकार रहे थे कि हमको ग्राहक बंधन से छुड़ाइए, कि ना हमको जीवन की इच्छा नहीं है, असली समस्या तो ये भाव बंधन की है, हम इससे मुक्त होना चाहते हैं। जो कई एक बात कह रहे हैं, भगवान के पूर्णता की बात कह रहे हैं, इसके पहले एक भक्तों का ग्रुप है जिनको कोई इच्छा नहीं होती। गजेंद्र जी तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन वे जानते हैं कि कोई कोई भक्त हैं ऐसे भगवान को प्रपन्न हैं कि उनको किसी चीज की कामना नहीं, कोई भी स्थिति हो उसी से वे संतुष्ट रहते, या उनके मन में मुक्ति इत्यादि का विचार ही नहीं आता, क्योंकि भगवान के जसो गान के आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। एकांतिनो जस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वही भगवत प्रपन्न, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि अवे भगवान के लीला गान के लीला वर्णन के जस समुद्र में ही निमग्न रहते, उसी में इतना आनंद रहता है कि दूसरे चीज का अनुसंधान ही नहीं रहता है। और इस विषय में श्रीमद्भागवतम में बहुत बहुत श्लोक है, अब उधर जाने पर तो हम मूल विषय पर नहीं आ पाएंगे। और कह रहे हैं कि गायंत आनंद समुद्र मग्न, भगवान का गान करने में ही वे अतिशय आनंद का अनुभव करते हैं। तो भाई भगवान कैसे व्यक्ति हैं कि उनका गान इतना महत्वपूर्ण है, उनके गान में ही आनंद का समुद्र है। भगवान के कुछ गुणों का वर्णन किया है एक ऐसे श्लोक में, तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मिवात दूरम अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे। भगवान विशिष्ट व्यक्ति हैं और उनके विशिष्टता के कारण ही उनके जस में ऐसा आनंद है कि व्यक्ति उसी में विभोर रहता है, दूसरे चीज का अनुसंधान ही नहीं रहता। और भगवान के गुणों का वर्णन करके और कह रहे परिपूर्ण मीड, भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, उन्हें की मैं शरणागति स्वीकार कर रहा हूँ, उन्हें को नमस्कार कर रहा हूँ। अब इसी विषय को भगवान के परिपूर्णता को और थोड़ा विस्तार से कह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। और भगवान कैसे परिपूर्ण है, उनके पूर्णता किस प्रकार सिद्ध होती है, और इस बात को ये तीन श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। जस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलगव्याच कलया कृतः। भगवान के स्थिति का एक अनुमान कर सकते हैं, ब्रह्मादयो देवा अनेक देवता हैं, ब्रह्मा जी सबसे आदि माने जाते हैं, ब्रह्मादि चंद्रमा इंद्र अनेक देवता है। तो कोई भी देवता हो ये बड़े बड़े पद पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, लेकिन इनकी रचना कैसे हुई। जस्य फलगव्या कलया कृता, ये जो ब्रह्मा इत्यादि देवता हैं वे लोग भगवान के एक छोटे अंश से निर्मित हैं। इस संसार में जिनको सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा है
लेकिन वे आए कहाँ से हैं? भगवान के एक छोटे अंश से। वो कह रहे हैं कि जस्य ब्रह्मादयो देवा और लोका चराचर नाम रूप विभेदे न। अब इस संसार पर विचार कीजिए तो बहुत प्रकार के प्राणी हैं, कोई चर है कोई अचर है। कोई कोई प्राणी है कि पैर से चलते हैं और कोई कोई ऐसे प्राणी हैं कि उनको पैर की जरूरत नहीं है, आकाश में ही चलते। आप लोग देखते हैं ना, पक्षियां हैं वो पैर से भी चल सकते हैं, आकाश में भी चल सकती है। कोई कोई प्राणी है कि पृथ्वी पर तो चल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, लेकिन अब पानी में प्रवेश करते ही डरने लगते हैं। पानी में उनके लिए बहुत भारी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कोई कोई प्राणी हैं कि उनको पानी में भी कोई कठिनाई नहीं। धरती पर कठिनाई हो सकती है लेकिन पानी में कोई कठिनाई नहीं। रात दिन भी पानी में रहते हैं और उसी में आनंद है। तो कह रहे हैं कि चर अचरा, कुछ प्राणी चर हैं, पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में चलते हैं, पानी में चलते हैं, और कुछ कुछ प्राणी अचर हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे जा ही नहीं सकते। तो मोटा मोटी विभाजन करना होता है तो दो भाग में बांट देते हैं, एक को चर और एक को अचर। लेकिन अब चर अचर पर विचार कीजिए तो कितना कितना भेद हो जाएगा, इसका गिनती करना भी कठिन है। चलने वाले प्राणी तो किसी का नाम मनुष्य है, किसी का नाम बैल है, किसी का नाम गाय है, किसी का नाम भैंस है, किसी का नाम कुत्ता है, किसी का बिल्ली है। तो नाम भी बहुत है और रूप भी बहुत है। नाम रूप विभेदे न, नाम और रूप का बहुत भारी वर्गीकरण है। बहुत बहुत नाम है, बहुत बहुत रूप है। अब उन नाम रूप का कुछ लोग हम लोग गिनती करें तो नौ तो उसी में बीत जाएगा और कुछ कर नहीं पाएंगे। और केवल चार प्राणी का ही नहीं, अचर प्राणी के भी बहुत बहुत नाम और रूप हैं। जैसे एक वृक्ष को ही ले लीजिए तो वृक्ष बहुत बहुत प्रकार के, किसी के पत्ता एकदम छोटा छोटा इमली जैसा और किसी किसी का पत्ता इतना बड़ा है कि एक ही पत्ता पर भोजन हो जाएगा। देखते हैं ना, दो तीन पत्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक पत्ता काफी है। हम लोग तो उधर अपने गांव के मंदिर में बस एक एक पत्ता पर एक एक आदमी को भोजन करा देते हैं। सागवान का वृक्ष बड़ा बड़ा पत्ता है तो सफिशियंट होता है। वन में चले जाइए तो कितने कितने प्रकार के वृक्ष हैं। किसी का फल खट्टा है तो किसी का मीठा है, देखते हैं ना। तो चाहे वो चर प्राणी हो या अचर प्राणी हो, बहुत बहुत नाम और रूप का भेद है। लेकिन कितना हो नाम और रूप का भेद हो, वे आए कहाँ से हैं? फलगव्या कलया कृता, भगवान के एक तुच्छ अंश से ये सारे वृक्षों के सारे चर अचर प्राणी की रचना हुई है। और कह रहे हैं कि वेदाश्च, वेद बहुत महत्वपूर्ण है, वे भी भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुए, वही उनकी रचना की है। अब इतना जरूर कहा जा सकता है कि भगवान के अंश भी दो प्रकार के, फल्गु और अफल्गु, एक छोटे हैं और
कोई कोई अंश ऐसा है कि उसको छोटा नहीं कहा जा सकता, तुच्छ नहीं कहा जा सकता। लेकिन चाहे वे महत्वपूर्ण अंश हों या तुच्छ अंश हों, वे सब भगवान के अंश ही निकले हैं। जैसे कोई कोई रूप है, जैसे मत्स्यावतार, कुर्मावतार, ये सब भी नाम है, रूप है, लेकिन ये सब अफलगव्य भगवान के अतुच्छ रूप से निकले, भगवान से ही निकले हैं, लेकिन उस रूप को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। और उसी तरह ये वेद हैं, और वेद भी भगवान से निकले हैं। चार वेद हैं, लेकिन वे सब भगवान से निकले। तो इस संसार में जहाँ भी आपकी दृष्टि जाए, जो चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, या कल्पना भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन सत्ता है, तो सब आए हैं भगवान से, भगवान के एक अंश से, तुच्छ अंश से। अब इसी बात को वे और स्पष्ट कर रहे हैं कि यथार्थ स्वग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयंत असकृत सरोचिस। ऐसे आप लोग अग्नि का पुंज देखे हैं, वह अग्नि का पुंज है, प्रज्वलित अग्नि है, तो उससे प्रकाश निकलते रहते, स्फुलिंग चिंगारियां निकलती रहती, देखते हैं ना कि कोई आग लगा दिए तो लपट निकलता रहता, कोई लपट निकलता है, और फिर लपट जाता है कहाँ, शांत हो जाता है, वो आग में लीन हो जाता है। तो जो लपट है, और इसको हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते कि इसमें भी अनंतता, इतना तो देखते हैं कि आग जलाए तो लपट निकलता रहता है, स्फुलिंग निकलता रहता है, और फिर शांत हो जाता है। और वैसे ही ये भगवान से सृष्टि हो रही है, जैसे अग्नि से लपट निकल रहा है, तो वैसे ही सृष्टि, चाहे वो चर हो, अचर हो, देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, महान हो, तुच्छ हो, सब जैसे आग से लपट निकल रहे निरंतर, और वैसे ही भगवान से ये सब प्राणी निकल रहे हैं और उसी में लीन हो रहे हैं। और ये एक दो नहीं हैं, हजार दो हजार नहीं हैं, लाख दो लाख नहीं हैं, करोड़ दो करोड़ नहीं हैं, अनंत अनंत हैं, अनंत प्राणी है, अनंत लोक है। अब इस बात को समझाने के लिए एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि निर्यांत संयान यानी सवितुर्गभस्तयो, से सूर्य है तो सूर्य से कितना किरण निकलता है, बहुत लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बतलाइए कि सूर्य से एक घंटा में कितना किरण निकलता है, किरण निकल रहा है ना। हम लोग तो स्थूल बुद्धि से कभी कभी मान लेते हैं कि वो अब अलग अलग नहीं निकल रहा है, किरण निकल रहा है, लेकिन वह हमेशा निकल रहा है, सेकेंड कहना भी तो कोई काम का नहीं होगा। अब सेकेंड के भी और हिस्सा करते हैं ना, विज्ञान वाले सेकेंड का और फ्रेगमेंट कर देते हैं, और समय का जो छोटा यूनिट करेंगे उसी में कितने किरण निकलते रहते हैं, अनंत किरण है। देखिए ये किरण बहुत तेजी से निकल रहे हैं, देखने में तो एक जैसा लगते हैं। आप लोग जहाँ तेल बनाया जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, वहाँ गए होंगे तो इस बात का अनुभव कर सकते हैं। या कभी कभी तेल ढारने में भी ऐसा होता है, कभी कभी तो बूंद बूंद करके गिरता है, और उसी की आवृत्ति बढ़ जाए
बूंद गिरना तेज हो जाए तो धारा में बदल जाता है, यही होता है ना। वैसे ही अब ये एक एक किरण निकल रहा है, लेकिन इतना तेजी से निकलते हैं कि पता नहीं चलता है कि अलग अलग निकल रहे हैं। हम लोगों को तो लगता है कि एक भाव सब निकल रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग निकल रहे हैं, और कितने किरण निकल रहे हैं इसकी गिनती नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार कितने प्राणियों की सृष्टि हो रही है, कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते, अनंत अनंत। और सूर्य की किरणें निकलती हैं, वे निरंतर निकल रही है, तो जाती कहाँ है, कहाँ स्टोर होता है, निकलती है फिर नष्ट होकर फिर विलीन हो जाते हैं सूर्य में ही। देखिए सिद्धांत यह है कि कोई भी अंश अपने अंशी में लीन हो जाता है, उसी में मिल जाता है, स्वाभाविक प्रवाह यही है। एक है, उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं, नदी में बाढ़ है और नदी के पानी जाती किधर, नदी का पानी जाता किधर है, समुद्र की तरफ। और नदी में पानी जो आया है वो आया कहाँ से है, समुद्र से। समुद्र से पानी सूर्य लिए हैं, आकाश में ले गए और उसको फिर धरती पर गिराए, तो पानी समुद्र की तरफ जा रहा है। और अब आग जलाइए तो आग किधर जाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि ऊष्मा के मूल स्रोत सूर्य है। तो यह स्वाभाविक वृत्ति है कि अंश अपने अंशी के तरफ जाता है। अब प्रकृति पर विचार करें तो हम लोगों के स्वाभाविक वृत्ति है कि हम भगवान के तरफ जाएं, उनकी सेवा करें, क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति यही है। और जो हो यहाँ यह कह रहे हैं कि तथा यतो यम गुणसम प्रवाह हो बुद्धिर मन खानि शरीर सर्गा। और जैसे सूर्य से अनंत किरणें निकल रही हैं, आग से उसके स्फुलिंग निकल रहे हैं, निरंतर निकल रहे, अनंत निकल रहे हैं, और उसी प्रकार ये प्रकृति का प्रवाह चलता है, चाहे बुद्धि हो, मन हो, इंद्रियां हो, शरीर है, सब भगवान से निर्मित हो रहे हैं और भगवान में ही लीन हो रहे हैं। कोई कोई शरीर सूक्ष्म है, मैंने कोई कोई चीज सूक्ष्म है जैसे शरीर है, लेकिन कुछ कुछ चीज है, नहीं कोई कोई चीज स्थूल है जैसे शरीर, और कोई कोई चीज सूक्ष्म है जैसे बुद्धि मन। तो चाहे स्थूल या सूक्ष्म हो, सब आ रहे हैं भगवान से और फिर लीन हो रहे हैं भगवान में। वह यह स्थिति है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ लीन हो रहा है। इस बात को दो उदाहरण से समझा रहे हैं, आग के उदाहरण से और सूर्य के उदाहरण से। तो ठीक है, सब है भगवान से आ रहे हैं, लेकिन भगवान का क्या परिचय है, वे क्या हैं। तो भगवान के विषय में कह रहे हैं कि सवई न देवा सुरमर्त तिर्य न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु। रहे हैं कि भगवान न तो देवता हैं और न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पशु पक्षी हैं, वे न स्त्री हैं, न नपुंसक है, न पुरुष हैं, और न ही इन तीनों से भिन्न है। यहाँ तो हम लोग भेद करते हैं, कहीं कहीं तो दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब कुछ इससे भिन्न करने के लिए एक नपुंसक लिंग भी होता है, लेकिन वह भी सब कुछ को कवर नहीं कर पाता है। कोई कोई प्राणी ऐसे दिख जाते हैं कि अब न उसको स्त्री में डाल सकते, न पुरुष में, न पुंसक में। तो कह रहे हैं कि भगवान न स्त्री हैं, न नपुंसक है, न पुरुष है, न जंतु हैं। अब इससे बाहर भी कुछ कल्पना कीजिए, रखिए, वो भी नहीं है। नायम गुण है, न गुण है, न कर्म है,
और न सत है न असत है। सत मतलब कार्य। इस संसार में कई एक चीज स्थूल रूप में, जैसे घड़ा है तो उसको कार्य कहा जाएगा, और घड़ा का कारण क्या है? मिट्टी। हम लोगों का शरीर बना है तो पृथ्वी मिट्टी ये सब से बना है, तो शरीर का कारण तो पंच महाभूत है। पंच महाभूत का कारण भी अहंकार है, और उसका भी कारण महत है। तो जो भी कार्य कारण लगा हुआ है, लेकिन भगवान न कार्य है न कारण है। अभी हैं क्या, कैसे पता चलेगा? तो निषेध से भगवान को जानना हो तो उसकी पद्धति है कि सबका निषेध करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो अंत में कुछ बचेगा न, तो वही भगवान है। निषेध से अरे भाई, अंत में जो बचता है तो उसको तो बड़ा तुच्छ माना जाता है, उच्छिष्ट माना जाता है। वैसे ही भगवान की स्थिति है, करण अशेष न वे स्त्री है न पुरुष है न पशु है न पक्षी है, इससे जो बाहर है वे भगवान है। इसके साथ ही अशेष, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है। माया के सहयोग से सब भगवान ही है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, माटी हो, पत्थर हो, सब भगवान। यह अचिंत भेदाभेद सिद्धांत है। अचिंत भेदाभेद का सबसे अच्छा निरूपण गजेंद्र स्तुति में मिलता है। ये कह रहे हैं कि यही भगवान जयता प्रकट हो जाए और हमारी रक्षा करे। और इस प्रकार गजेंद्र जी भगवान का वर्णन कर रहे हैं, उनको गुणों को बतला रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रकट हो जाए, आप सबसे महान हैं, आपके ऊपर कोई नहीं, प्रकट हो करके, आविर्भूत हो करके हमारी रक्षा कीजिए। हरे कृष्णा। प्रश्न तो बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा ना। हाँ हाँ बोलिए। हाँ देखिए, भोजन कर रहे हैं, पत्तल पर भोजन है, खाते हैं, और उसमें कुछ बच जाता है, और उसको क्या करते हैं? अपने झोले में रखते हैं, कुत्ते को दे देते हैं, या डस्टबिन में डाल देते हैं। बहुत अच्छा जगह नहीं है ना, उसको निकृष्ट समझ करके ऐसा करते हैं ना। तो एक सिद्धांत आएगा न कि निषेध से सर। अरे भाई, जो सबका निषेध कर रहे हैं, ये नहीं ये नहीं, तो लास्ट में जो बचा तब तो तुच्छ होता है। तो मैंने कि ना, अशेष अशेष का दो अर्थ है कि वे कभी हल्का नहीं होते, उनमें कोई विकृति नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। या अशेष का एक अर्थ है कि चाहे कुछ भी स्थूल हो, सूक्ष्म हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब भगवान ही है। सर्वम खलुमिदम ब्रह्म। तो यही भगवान की विशेषता है कि इस प्राकृत जगत में कुछ भी भगवान नहीं है, और इस प्राकृत जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। इस प्राकृत जगत में या कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान नहीं है। तो निषेध शेष और अशेष, हम लोगों की बुद्धि एक कल्पना कर सकती है कि भाई जो लास्ट में बचता है तो उसको तो बहुत महत्व नहीं देते हैं, तो क्या भगवान की यही स्थिति है? कि ना ना ना, अशेष ऐसी स्थिति नहीं है, वे सब कुछ भगवान ही हैं। सब कुछ भगवान ही सब रूप में परिणत हुए हैं, लेकिन अशेष उनसे कुछ खर्च नहीं होता है, भगवान खत्म नहीं होते। तो यह भगवान की विशेषता है, आवश्यकता
और व्याख्या की है, लेकिन समय 9 बजे का था इसलिए अब हम उतने समय में जो बोल सकते थे उतना बोलने का प्रयास किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हाँ गजेंद्र गजेंद्र पहले राजा इंद्रधनुष में थे। हाँ हाँ। और भक्ति कर रहे थे, अगस्त मुनि ने उनको श्राप दिया तो हाथी बन गए, और जब वो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा तो उस समय वो प्रयास कर रहे थे अपने को बचाने के लिए, लेकिन जब देखे कि अभी कुछ नहीं हो सकता तो भगवान ने उनको अंदर से माता स्मृति ज्ञान अपहरण से याद दिलाया। तो भगवान ने पहले क्यों नहीं गजेंद्र को ये याद दिलाया कि जो उन्होंने पिछले सीता का वो जैसे अभी स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान ने पहले क्यों नहीं ये याद दिया? आप कितना दिन से क्लास सुन रहे हैं? यहाँ रेगुलर नियमित सुनते हैं? नियमित में महाराज श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, राधा रास बिहारी मंदिर में। तो इस प्रसंग में यह बात कहाँ लिखी गई है कि भगवान याद दिलाए? आप कह रहे हैं कि भगवान उनको याद दिलाए, तो इस बात को कहाँ से कह रहे हैं? इस प्रसंग में किस अंश किस श्लोक में लिखा गया? तो तू अश्लोक प्रवचन में सुनेगा दूसरे जगह से और प्रश्न हमसे करेगा? जहाँ से सुने वहाँ से पूछना चाहिए ना। इस प्रसंग में लिखा गया है प्राग जन मनुष्य शिक्षित, वे पूर्व जन्म में बहुत अभ्यास किए थे इस स्तोत्र का, अब वही स्फुरित होने लगा। जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पहले जन्म में बहुत अभ्यास किए थे और इसलिए इसको बोलने लगे। और आपका ये जो प्रश्न है कि पहले ही केवल स्मरण नहीं आ गया, और देखिए आप उनका वर्णन पढ़ेंगे बहुत आसक्त व्यक्ति थे, बहुत घमंडी व्यक्ति थे, वे मद में रहते थे। अब इतना घमंड था कि पत्थर उत्थर वो घींच घांच करके तोड़ ताड़ करके रास्ता अपने से बनाते थे, और कितना भी घना जंगल हो अब उसमें जाने में उसको कठिनाई नहीं थी, ये नहीं विचार करते थे कि इधर से रास्ता है तो इधर से चलें, वो तोड़ फोड़ करते हुए चले जाते थे और वृक्षों को कष्ट दे रहे थे। कहिए घमंड में आदमी क्या क्या कर जाता है। और अब ग्राह पकड़ लिया, ग्राह के पकड़ने के पहले भी उनकी स्थिति देखिए, गए थे पानी पीने के लिए, घाम के चलते कष्ट था, और पानी पिए स्नान किए लेकिन उतने से संतुष्ट नहीं हुए, अपने स्त्रियों को स्नान कराने लगे, आसक्त थे। ऐसा नहीं था कि स्त्रियां बीमार थी अब भाई चलो उनको पानी दे था। उनको भी सूढ़ता आसक्ति के मारे अब पानी छिड़कने लगे उनको खुश करने के लिए। गजेंद्र पकड़ ली, अपना जोर लगाए, अब समा सहस्रम 1000 तक युद्ध किए, तब उनको रियलाइजेशन हुआ कि यह ग्राह का पास नहीं है, यह तो विधाता का पास है, और विधाता का पास है तो अपने बल से नहीं खत्म कर सकते, उसको तो केवल भगवान खत्म करेंगे। तब वे पहले से स्तोत्र याद ही था उसका जप करने लगे। तो आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान पहले ही क्यों नहीं स्मरण दिला दीजिए, तो हम यही उत्तर देंगे कि उनके घमंड को खत्म करने के लिए, जो अपना उनका घमंड था उसको खत्म करने के लिए पहले नहीं स्मरण दिलाए। ये घमंड बहुत अच्छा चीज नहीं है ना, इसको दूर करना होगा ना, इसी को खत्म करने के लिए अपना जो अहंकार है अपने बल का वो खत्म हो जाए,
इसलिए पहले नहीं स्मरण दिलाए। स्मरण तो भगवान ही दिलाते हैं, कि कोई आप गलत नहीं बोल रहे हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, ये गीता का ज्ञान है, लेकिन इस प्रसंग में तो लिखा गया है। जब उनको यह रियलाइजेशन हो गया कि विधाता का पास है, अब उनके शरण में गए, अब अपना भरोसा त्याग दिया, अपने बल का अहंकार खत्म हो गया। अब जैसे ही भगवान के शरण में जाने की बात आए, तो उनका जो पहले का भक्ति का संस्कार है तो उभर आया। एक वैष्णव का अपराध किए हैं तो अपराध तो तभी समित होगा जब उनको प्रसन्न कीजिए, क्षमा मांगिए या कष्ट भोगिए। वो अपराध किए हैं तो कष्ट भोगे और अपराध का कष्ट भोग लिए तब भगवान उनको स्मरण दिलाए। कुछ सेंस आ रहा है, समझ रहे हैं हमारी बात को? इसके पीछे कारण है, विलंब का कारण है, कई कारण होता है किसी घटना में। तुलसीदास बांह में बहुत दर्द हो गया था, बहुत कष्ट अनुभव कर रहे थे। अब उसी में एक ग्रंथ ही लिख डाले प्रार्थना करते करते। एक दिन जा रहे थे चित्रकूट में, मंदाकिनी में स्नान करने जाते थे, और एक पौधा जिस रास्ते से जा रहे थे, एक पौधा कहा कि बाबा हमको पीस करके और पी जाइए घास, दर्द ठीक हो जाएगा। अब तुलसीदास को बड़ा हैरत, रोज तो इसी रास्ते से जाते हैं तो ये आज क्यों कह रहे हैं, पूछ दिए कि तो रोज तो हम जाते थे इसी रास्ते से, इतना कष्ट हो गया, आज क्यों तुम बतला रहे हो, पहले क्यों नहीं बतलाया? वो पौधा उत्तर दिया कि अभी आपका कुछ प्रारब्ध था, प्रारब्ध खत्म हो गया। तो देर का भी एक फिलॉसफी है। हम तो यही कहेंगे कि जो गजेंद्र जी की स्मृति में देर हुई, और उनका घमंड दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा किया, घमंड दूर हो गया, अब तो अब स्मरण दे दिए। घमंड भक्ति का बाधक है ना। कालिए को घमंड था, उसकी पत्नियां कह रही थी कि भगवान है, चलिए दर्शन कीजिए, लेकिन अपने घमंड में तुम लोगों को जाना हो जाओ, हमको क्या मतलब। जब मारने लगे, फच फच खून फेंकने लगा, तब स्मृत्वा चराचर गुरु, तब स्मरण आ गया कि हमारी पत्नियां इसी व्यक्ति के विषय में कह रही थी, तब जाकर के उनके शरणागति को स्वीकार किए। गजेंद्र का घमंड दूर हो गया, अपने बल का बल खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया, तब भगवान की शरणागति स्वीकार की। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।